हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि हम सब काफी ज्यादा खुश थे कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजर के बीच जो भी इस वीक के स्मैकडाउन हुआ उससे रिलेटेड कुछ भी स्पॉइलर सामने निकल कर नहीं आया। स्पॉइलर कहां से आएगा, ब्रॉक एंड रोमन स्मैकडाउन में थे ही नहीं, बट पॉल हेमन ने काफी कुछ इंपॉर्टेंट रिवील किया जिसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ ही साथ एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई है पॉल हेमन के रोल को लेकर ब्रॉक लेजर एंड रोमन रेंस के स्टोरी लाइन में, और आज की इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि स्मैकडाउन के बाद हमें क्या कुछ देखने को मिला। इसके अलावा डे वन के पेपर में हमें कौन सा मैच देखने को मिलने वाला था जिसके प्लान्स अब हो चुके हैं कैंसल। तो गाइस, सबसे पहले हम इसी मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि डे वन का पेपरव्यू काफी ज्यादा करीब है, ऑलरेडी यहाँ पर WWE चैंपियनशिप का मैच, यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच, रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, इसके अलावा कई सारे और मैचेस भी ऑफिशियल हो चुके हैं। बट गाइस, आप सबको बता दूं, हमें रॉ टैग टीम चैंपियनशिप का मैच भी देखने को मिलने वाला था डे वन के पेपरव्यू में, रैंडी ऑर्टन एंड मैट रिडल वर्सेस मिस्टीरियोस या फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच। जैसा कि आप सबको याद ही होगा, मिस्टीरियोस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स पहुंचे थे रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के फाइनल्स में, एंड इनका मैच होने वाला था बट WWE ने इसे कर दिया पोस्टपोन। और हम सब सोच रहे थे कि भाई मिस्टीरियोस या फिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स की तरफ से कोई दिक्कत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो हमें देखने को मिले। बट मैट रिडल से रिलेटेड एक बुरी अपडेट निकल कर आ रही है कि उनके साथ कुछ इशू है, अब वो कोविड है कि क्या, मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता बिकॉज अभी WWE में कई सारे टैलेंट्स कोविड को लेकर पॉजिटिव पाए गए, तो उनमें से मैट रिडल का नाम भी हो सकता है। जिसके वजह से गाइस, इस वीक के रॉ में हमें रैंडी ऑर्टन के साथ मैट रिडल देखने को नहीं मिले थे, और पॉसिबली नेक्स्ट वीक भी देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि वहां पर तो भाई रैंडी ऑर्टन और ओटिस का मैच किया जा रहा है एडवर्टाइज। सो हम सब यही होप करेंगे कि मैट रिडल के साथ जो भी इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, एंड आरके ब्रो की टीम हमें फिर से रॉ में धमाल मचाते हुए दिखे। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कुछ रिएक्शन है वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद बात की जाए स्मैकडाउन के बाद क्या कुछ देखने को मिला। जैसा कि आप सबको पता ही है, इस वीक के स्मैकडाउन का जो मेन हाईलाइट था वो था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नंबर वन कंटेंडर मैच, जहां पर हमें 12 मैन गॉन्टलेट मैच देखने को मिला था एंड जीत देखने को मिली थी सैमी ज़ेन की। लेकिन रिकोशे की परफॉर्मेंस सभी को काफी ज्यादा पसंद आई एंड सभी चाह रहे थे कि वो जीते इस गॉन्टलेट मैच को एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन स्मैकडाउन के बाद उनसे जब इंटरव्यू में पूछा जाता है आज के मैच को लेकर, देन उन्होंने कहा कि मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, जो कि शायद से वर्क भी किया, क्योंकि इस गॉन्टलेट मैच में मैं ही वो बंदा था जिसने सबसे ज्यादा टाइम बिताया, और सैमी ज़ेन लक्की था क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अपोनेंट नहीं था और मैं थका हुआ था, जिसका उसने एडवांटेज लिया, जिसमें कुछ गलत भी नहीं है, एंड उसने जीत लिया उस मैच को। बट मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया कि आखिर क्यों हूं मैं ग्रेट, एंड मैं इस चीज को प्रूव करता रहूंगा। सो रिकोशे ने अभी तक होप छोड़ी नहीं है, उन्हें उम्मीद है कि उनके साथ जरूर से कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम सब तो यही होप करेंगे उन्हें जल्द से जल्द मिड कार्ड चैंपियनशिप जीतने का मौका मिले। वैसे आप सब रिकोशे को कौन सा चैंपियन बनते हुए देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। तो अब बात की जाए अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में कि आखिरकार पॉल हेमन के रोल को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि वो ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के फ्यूड में क्यों बन सकते हैं एक बड़ा फैक्टर। जैसा कि इस वीक के स्मैकडाउन में तो हमें सिट डाउन इंटरव्यू देखने को मिला था पॉल हेमन का, जहां पर ना तो उन्होंने ब्रॉक लेसनर के साथ दी ना तो वो रोमन रेंस के अगेंस्ट गए। उन्होंने कहा कि मैं स्पेशल काउंसिल था रोमन रेंस का और मुझे बताना था जो भी सच है, एंड रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप प्रोटेक्ट करनी थी, बट ये चीज रोमन रेंस को पसंद नहीं आई। और जो सबसे बड़ी चीज उन्होंने अनाउंस की कि अब मैं उस एज का नहीं हूं कि मैं NXT में जाकर फिर से कोई टैलेंट उठाऊंगा एंड उसे मैनेज करूंगा, इसलिए मैं इस चीज को एक्नॉलेज करता हूं कि रोमन रेंस के बिना मेरा करियर हो चुका है ओवर। अब ये तो थी पॉल हेमन की कहानी। बट गाइस, रेस्टिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर ने ये चीज कही है कि डे वन के पेपर व्यू में रोमन रेंस के पास पॉल हेमन नहीं रहने वाले, जिसकी वजह से हो सकता है ब्रॉक लेसनर हमें बनते हुए दिख जाए यूनिवर्सल चैंपियन, एंड रोमन रेंस को फाइनली रियलाइज हो पॉल हेमन उनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, एंड अगेन वो पॉल हेमन को अपनी टीम में ले ले, यानी कि वो फिर से बना ले उन्हें स्पेशल काउंसिल। या फिर जो दूसरी थिंग हो सकती है वो ये है कि ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियन बनने के बाद हमें पॉल हेमन जुड़ते हुए दिखे ब्रॉक लेसनर के साथ, एंड फाइनली जब रेसलमेनिया 38 में रोमन वर्सेस ब्रॉक या फिर रोमन वर्सेस ब्रॉक वर्सेस ड्रू मैकइंटायर होगा, वहां पर हमें पॉल हेमन टर्न होते हुए दिखे ब्रॉक लेसनर पर, एंड वो अगेन ज्वाइन कर ले रोमन रेंस को एंड उन्हें वो जिता दे यूनिवर्सल चैंपियनशिप। यानी कि रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप और रोमन रेंस के साथ जो पॉल हेमन है दोनों का फ्रेश स्टार्ट हमें होते हुए दिखेगा रेसलमेनिया 38 के बाद से। सो कह सकते हैं अगर ऐसा कुछ होता है देन काफी कुछ भाई गोलमाल होने वाला है। पहले तो ब्रॉक लेसनर बन सकते यूनिवर्सल चैंपियन, उसके बाद ही हमें ये सारी थिंग देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज, आप सब मुझे ये कमेंट करके जरूर से बताना आप क्या चाहते हैं, पॉल हेमन वापस से रोमन रेंस के साथ जुड़ जाए या फिर वो जुड़ जाए ब्रॉक लेसनर के साथ। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।